नमस्ते दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज जर्नल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अभी तक मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन गए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कर। यदि नहीं बने हैं तो बिल्कुल भी देरी नहीं हुई है, फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बन जाइए मेरी इस छोटी सी लेकिन बहुत प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको पता चले। तो आज है दूसरा एपिसोड रविवार विचार विथ मंजरी का। आई होप आप सभी ने मेरा पहला एपिसोड देखा होगा। पहले एपिसोड पे बहुत सारे अप्रिशिएशंस आए, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। शायद वो पहला व्लॉग होगा जिस पर 21 कमेंट्स आए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया उस पर इतना प्यार बरसाने के लिए। साथ ही दूसरे व्लॉग में भी मेरी आपसे यही उम्मीद है कि आप इसे भी भर भर कर प्यार दें। तो आज हम बात करने वाले हैं इस महंगे ज़माने में सस्ते रिश्तों की, रिश्तों की जो वैल्यूज गिर गई हैं या जो हम सिर्फ हमारी अकड़ में गिरा रहे हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखो, मैं बात करने के और मेरी जो कहानियाँ हैं सुनाने की, उसके पहले ही मैं आपको ये बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मैं जिस तरह से मेरे रिश्ते को या बाकी मैंने जो 8-10 रिश्ते देखे हैं उनसे उनके पहलुओं को जज कर रही हूँ वो सही हो। सबका अपना अपना पहलू होता है, हर इंसान अपने आप में एक से अलग होता है। मैं एक मेजॉरिटी इशू की बात करने वाली हूँ, बट जो कुछ अलग केस होते हैं उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। हो सकता है कि आपका केस कुछ और हो और मैं कुछ और बात कर रही हूँ तो आप उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आप वो मेजॉरिटी वाली उसमें है कि आप मुझसे रिलेट कर पाएँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। पता है धीरे धीरे ना रिश्तों की वैल्यूज़ बहुत गिरती जा रही है, बहुत ज़्यादा गिरती जा रही है। लाइक मैं ये ब्लड रिलेशन वाली बात नहीं कर रही हूँ जिसमें आपके मॉम डैड हैं या फिर आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं या फिर आपके बच्चे हैं, क्योंकि उनके साथ आपका रिश्ता अच्छा ही होता है। क्योंकि उनसे आपका खून का रिश्ता होता है तो आप उनकी गलत और सही सबको स्वीकार कर लेते हैं। मैं मेजर जो रिश्ते होते हैं जो हमारे शादी के बाद बनते हैं, जैसे कि हमारे इन लॉज के साथ में, हमारे हस्बैंड के साथ में, तो मेजरली मैं उस बारे में बात कर रही हूँ। वैसे हम उस पहलू को भी देख सकते हैं जहाँ मॉम डैड वगैरह वाला पहलू है, लेकिन मेजरली मैं आज इसके बारे में बात कर रही हूँ। तो यार होता ऐसा है ना कि जो वो आजकल मैं वाली बात चल रही है ना कि मैं ऐसा क्यों करूँ, मैं ऐसा क्यों बोलूँ, या आपने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, तो ये बहुत बुरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। इसे हमें ना बहुत कम करने की ज़रूरत है और ठीक है बोल के उस रिश्ते को बचाने की ज़रूरत है। हर चीज़ को ना तोड़ा नहीं जाता टक से, जैसे आजकल ना यूं डिवोर्स हो जाता है, तो डिवोर्स नहीं होना चाहिए यार। आपका बंधन बंधा है उसे निभाने के बारे में सोचो। मैं लिटरली बता रही हूँ कि जो आजकल पेरेंट्स भी ऐसा सोचते हैं ना कि इनकी नहीं बन रही है तो चलो इनका डिवोर्स करा दे, तो वो गलत है। आपको आपके बच्चों को, दोनों को, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि सिर्फ लड़कियों को, आपको आपके लड़की को भी और आपको आपके लड़के को भी, दोनों को ये बात समझानी चाहिए कि देखो यार रिश्ते ऐसे टूटते नहीं हैं, अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करो। कभी सुना के, डांट के, कभी चुप रह के, कभी सुन के, ये सब कर कर अपने रिश्ते को बचाए रखो, अपने रिश्ते की मजबूती बांधो। देखो यदि आप नहीं नहीं अभी आपकी शादी हुई है, आपकी शादी को 2 साल 3 साल 4 साल हुए हैं और आप अपनी शादी के बारे में बहुत कंफ्यूज्ड हो कि मैं कैसे करूं क्या करूं, तो इसे टाइम दो, कुछ उनकी बातों को आप एक्सेप्ट करो। और देखो सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट आपको इसी चीज़ को करना है कि भाई नेचर तो चेंज नहीं होगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो जब जैसे किसी का नेचर होता है कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, वो बात बात पे गुस्सा कर लेता है लेकिन बाद में वो बिल्कुल शांत हो जाता है, कभी वो अपना गुस्से और गुस्से में उसने जो बात बोली उसके लिए आपके सामने माफ़ी भी मांग लेगा कि हाँ मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसे एक्सेप्ट करो कि ठीक है, जब वो उसे गुस्सा आता है तब वो बात को एक्सेप्ट करके थोड़ी देर शांत रह के उसको सुन लो जो वो गुस्से में बोल रहा है। बाद में भले ही आपको समझाने का उसको पूरा हक है, लेकिन उसी टाइम वो शॉर्ट टेम्पर्ड हुआ एंड आपने भी बोलना स्टार्ट कर दिया और आप दोनों भिड़ गए, तो भाई वो फिर वो बात बढ़ जाएगी ना। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि पहले आप नेचर एक्सेप्ट करो एक दूसरे का, फिर सेकेंड थिंग होती है कि एक दूसरे की फैमिली को एक्सेप्ट करो। जिसकी फैमिली कैसी है उसे एक्सेप्ट कर लो। ओके फाइन,
आपकी बहन ऐसी है, ठीक है। आपकी मम्मी ऐसी है, ओके। मेरे पापा ऐसे हैं, ठीक है। मेरे भाई ने ऐसा किया, ठीक है। जब ये क्लियरिटी आती है ना, तभी उसके बाद आपका जो बॉन्ड है वो मजबूत होना स्टार्ट होता है। तो चलो अब स्टोरी टाइम कर लेते हैं। ये तो हो गई बेसिक सी बातें, बहुत बेसिक सी आपको सबने समझाई होंगी कि ये सब चीज़ें कितना ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो रिश्ते की नींव बनाती है, वो ये होती है कि भाई झूठ मत बोलो, सच बोलो, अपने आप आपस में बात करो, क्लियरिटी रखो। तो चलो अब स्टोरी टाइम कर लेते हैं, स्टोरी सुनाती हूँ, क्योंकि ये बातें तो कभी भी खत्म नहीं। तो ना थोड़े टाइम पहले इंस्टाग्राम पे एक रील वायरल हो रही थी, तो मुझे भी स्क्रॉल करते करते वो रील सामने आई। तो वो रील थी एक बेटी की विदा की। जनरली किसी भी बेटी की विदाई में आप उसके पापा को देखते हैं कि वो फूट फूट के रो रहे होते हैं, या बस कहीं कोने में खड़े होते हैं, या अपनी बेटी को देखने ही नहीं आते हैं, ऐसी रील होती है। लेकिन वो रील बहुत खास थी और उसकी बातें मेरे दिमाग में बैठ गई। उसमें ना वो लड़की के पापा उससे कहते हैं कि बेटा झगड़ा करना तुम्हारा हक है, और सही और गलत एक दूसरे को बताना भी तुम्हारा हक है, लेकिन उस झगड़े को खत्म किए बिना कभी मत सोना। बहुत गहरी बात है आप सुन से शायद, कि यार जैसे हमारी हमारे पार्टनर से लड़ाई हो गई ना, तो हम उसको ना छोड़ के सो जाते हैं, या हम बात करना बंद कर देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उस झगड़े को खत्म किए बिना मत सोना। हो गया, सब में होता है, झगड़ा हो गया, सुलह कर लो और वापस वैसे ही हो जाओ। तो ये बहुत गहरी बात थी और इस बात ने मेरे मन पे और मेरे जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। मैं भी आप सब की तरह ही वैसे कहती थी कि झगड़ा हो गया, देन उसके बाद एक दिन दो दिन बात करना बंद कर दिया, तन फन चालू कर दिया। बट नाउ अब ऐसा नहीं है, झगड़ा हो गया कोई बात नहीं, तुम ही मेरे हो, मैं तुम्हारी हूँ, तुम मुझसे नहीं लड़ोगी तो किससे लड़ोगी, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगी तो किससे लड़ूंगी। ये बात को मैंने गांठ बांध ली है, उन्होंने भी गांठ बांध ली है, और बस लड़के अब सो जाते हैं, तो ये बात हमारी हो जाती है। तो मतलब झगड़ा खत्म किए बिना नहीं सोना चाहिए। और अब दूसरी स्टोरी की बात करते हैं। पता है कभी भी ये ओवरऑल बात करें, हम किसी भी रिश्ता जो आपके बहुत क्लोज है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ना मैं पहले कैसे करती थी कि मुझे आप पे यदि गुस्सा आया, मैं आपसे बात करना बंद कर दूंगी, भले ही आप मेरे कितने भी क्लोज रिलेशन के हैं, दूर के रिलेटिव, मतलब दूर के रिलेशन में हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, सिस्टर, कजिन्स, मेरे इन लॉज, सबके साथ मैं ऐसी करती थी। यदि मुझे किसी पर गुस्सा आ रहा है तो मैं उससे बात करना बंद कर दूंगी। एक दिन निकल जाए, दो दिन निकल जाए, तीन दिन निकल जाए, जब तक मेरा दिमाग ठिकाने नहीं आएगा, मैं बात करना बंद कर देती थी बस। उससे क्या होता था पता है, वो जो इतनी सी बात हुई थी ना, वो बढ़ के इतनी हो जाती थी। क्योंकि जैसे हम सोच रहे हैं, हम हमारा दिमाग चला रहे हैं, वैसे सामने वाला भी तो चला रहा है ना, तो वो भी चलाती थी, वो भी चलाता था, और फिर उसके बाद ना वो बातें बढ़ जाती थी। फिर धीरे 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 कहीं मैंने पढ़ा, किताबों में भी पढ़ा, मैंने शायद कोई बुक में ही पढ़ा था, और अमृता प्रीतम की कोई किताब में पढ़ा था कि बात बंद मत करो, यदि तुम्हें वो रिश्ते को बचाए रखना है, उस रिश्ते के बॉन्ड को हमेशा बनाए रखना है, तो आपस में बात बंद मत करो। चाहे कितनी भी लड़ाई हो, कितने भी झगड़े हो, लेकिन बात होना चाहिए। क्योंकि जैसे हमारे शरीर में खून को प्रवाह करने के लिए ये नसें हैं, वैसे ही रिश्तों में खून प्रवाह करने के लिए सिर्फ बात ही जरिया है। आप लड़ो भिड़ो कुछ भी करो, लेकिन बात बंद मत करो। और उस बात ने ना मेरे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डाला कि यार बात बंद नहीं होना चाहिए। मैं किसी से भी लड़ती हूँ पर मैं बात बंद नहीं करती, चाहे वो संकेत हो, चाहे वो मेरी मम्मा हो, चाहे अविक हो, अविक तो भी बहुत छोटा है इन सब चीजों के लिए, खैर, या फिर मेरी मदर इन लॉ हो। क्योंकि आप जब एक घर में रहते हैं, मतलब कहावत है ना बड़े बुजुर्गों की कि एक घर में यदि चार बर्तन है तो बजेंगे ही, तो होती भी है हमारी बातें, पर मैं बात बंद नहीं करती, ठीक है। जब वो मुझसे कहती भी है कि क्यों मुझसे झगड़ती है, फिर मेरे पास ही आ जाती है, तो मैं भी इतरा के उनसे बोल देती हूँ कि हाँ तो कहाँ जाऊंगी,
आगे पीछे आप ही तो हो, आप ही से झगड़ूंगी, आप ही के साथ रहूंगी। तो ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसका बहुत गहरा इम्पैक्ट है कि यार रिश्तों में खून प्रवाह करने की ना जो जरिया है वो होती है बातें। तो बात कभी भी आपस में बंद नहीं होना चाहिए और बात से ही रिश्ते में मजबूती होती है। लेकिन ये तो ये बात हुई कि बात बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी यदि आपको लग रहा है कि किसी आर्ग्यूमेंट में आपके चुप हो जाने से वो आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाएगा, तो भाई चुप हो जाया करो ना, क्या हो रहा है। देखो जो मतलब अपन रिश्तों में ना सही और गलत के पीछे बहुत दौड़ते हैं कभी कभी, कि मैं सही हूँ, आप गलत हो, आपने ऐसा किया, मैंने ऐसा नहीं किया है। जो जैसा कर रहा है ना, उसको अंदर उसका कभी ना कभी रियलाइजेशन तो हो भी जाएगा, हो भी रहा होगा मे बी। जैसे हम झगड़ रहे हैं तो हमें रियलाइज हो रहा है अंदर से कि हम गलत हैं या हम सही हैं, जस्ट हम हमारा पॉइंट प्रूफ करने के लिए लड़ रहे हैं। पॉइंट प्रूफ करके तुमको क्या मिल जाएगा? घर में तो तुमको कोई अवार्ड नहीं देने वाला। हाँ, तुम वकील बन जाते तो शायद तुमको अवार्ड मिल जाता, शायद तुम केस जीत जाते, पर क्योंकि अब तुम वकील नहीं हो तो उस चीज को वहीं पॉज कर दो, दोनों का गुस्सा ठंडा होने दो। फिर जब सब ठंडा हो जाएगा तब आराम से बैठ के समझाना कि यार ऐसी बात नहीं है, बात ऐसी थी, या शायद हो सकता है कि वो तुम्हें बोल दें आके सामने से कि उस टाइम मेरा मूड ठीक नहीं था, सॉरी। तो ये दोनों तीनों चीजें होती हैं कि कभी बात बंद मत करो, पर कभी चुप रह के रिश्ते को बचा लो, तो कभी ऐसा कर लो। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं लेकिन बहुत मायने रखती हैं। और पता है सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि ना ऐसे डिस्कशन ही मत करो ना आपस में जो एक दूसरे को हर्ट करे, ऐसे डिस्कशन मत करो, उन्हें अवॉइड करो। आई होप आपको मेरी आज की बातें अच्छी लगी हो, आज की स्टोरीज पसंद आई हो। कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ ये सीरीज पे, चाहती हूँ मेरी कि ये सीरीज थोड़ी सी अच्छा वर्क करे, ताकि मेरी बातें, मेरी सोच आप तक पहुँचे और आप लोग इस सोच को सपोर्ट करो। दैट इज इट। चलिए मैं मिलूंगी आपसे फिर से अगले रविवार को नया मेरा विचार लेकर। यदि आप चाहते हैं कि कोई आपका टॉपिक है जो जिससे रिलेटेड, या आपकी कोई स्टोरी है जो आप चाहते हैं कि मैं यहाँ नरेट करूँ, तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। स्टोरी हो तो कमेंट में मत बताना है, स्टोरी आके आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। इंस्टाग्राम के हैंडल पे मंजरीज जर्नल ही, वहाँ पे भी मेरा हैंडल है, तो वहाँ पे भी आप मुझसे शेयर कर सकते हो। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे फिर से कुछ नया लेकर। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि इस संसार को खुशियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।